हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो चलिए, आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और आज हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को 2023 का सबसे लाटेस्ट 5G फ़ोन। दोस्तों, सबसे लाटेस्ट 5G फ़ोन 2023 का, जितने भी प्रोसेसर में आ रहे हैं 2023 का 5G में, तो कम दामों से लेकर 10,000 से लेकर 20,000 तक का मोबाइल आपको सारा हम दिखाने वाले हैं। ओप्पो, वीवो, MI, सैमसंग, रियलमी, IQ, जितने भी मोबाइल लॉन्च किए हैं 5G का, सारा का आप लोगों को डिटेल बताने वाले हैं, सबका कॉम्प्रिमेशन बताने वाले हैं। दोस्तों, किसमें कैमरा कितना है, बैटरी कितना है, किसका डिस्प्ले कैसा है, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा देखें, वीडियो में बने रहें और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मोबाइल रिपेयर, मोबाइल संबंधित देते रहेंगे। और किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आप लोगों को पूछना है हमसे तो कमेंट में डाल सकते हैं, आप लोगों को हम बता देंगे सारा कुछ। तो चलिए, आप लोगों को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले सैमसंग का M13, देखिए सबसे बेस्ट फ़ोन है 2023 का, सबसे कम दामों में, इससे कम दाम में कोई भी फ़ोन दोस्तों नहीं आ रहा है सैमसंग का 2023 में। 5G फ़ोन सबसे 2023 में 5G फ़ोन सैमसंग का ही लॉन्च किया है कम रेंज में। दोस्तों देखिए, इसका फ़ोन मात्र 12,000 रुपये कीमत है। देखिए, बहुत ही अच्छा लुक में बनाया गया है दोस्तों इसका। दोस्तों बहुत ही अच्छा लुक, 2050 मेगापिक्सल कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों 12,000 के रेंज में। और आपको क्या चाहिए, 2023 में सबसे बेस्ट फ़ोन है दोस्तों। 12,000 में आपको 5G फ़ोन मिल रहा है, 8GB रैम मिल रहा है, 64GB इंटरनल मिल रहा है, 5000mAh बैटरी मिल रहा है, OLED डिस्प्ले मिल रहा है और क्या चाहिए दोस्तों, 50MP कैमरा है। तो सबसे बेस्ट फ़ोन है दोस्तों 2013 में। अगर आपका 10 से 12,000 का रेंज है तो बिल्कुल आँख बंद करके आप ये फ़ोन M13 सैमसंग का ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M13 5G। और आगे दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे दूसरा फ़ोन। तो देखिए, सैमसंग का सारा का डिटेल दिखा दिए M13 का आपको। तो M13 बहुत ही बेस्ट फ़ोन है दोस्तों, इसमें कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी दोस्तों कितना भी चलेगा, 2-4 साल आराम से सैमसंग का फ़ोन चलता है, ब्रांड है, अपने इंडिया का कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा आप फ़ोन ले सकते हैं सैमसंग का, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आप लोगों को नया फ़ोन कोई भी लेना है 2023 में तो हम आपको सुजेशन करेंगे। और 2023 में जो भी मोबाइल आपको ख़रीदना है 5G 4G आप हम कमेंट कर दे बता देंगे। तो दोस्तों चलिए, आप आगे आप लोगों को बताते हैं T1 5G। देखिए, वीवो का T1 5G बहुत ही बेस्ट फ़ोन है। 15,990 रुपया प्राइस है दोस्तों, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में इसका है, 50MP कैमरा है दोस्तों इसका, 16MP फ्रंट कैमरा है, 5000mAh बैटरी है। देखिए, इसका 5G लोगों के साथ डबल ट्रिपल कैमरा फ्लैश पीछे, बहुत ही अच्छा लुक में 3D लुक इसका बैक बनाया गया है और बहुत ही सोनी कलर दोस्तों बनाया गया है 5G T1। तो बहुत ही बेस्ट 2023 का वीवो का फ़ोन है ये T1 5G। सबसे कम रेंज में 16,000 तक मिल जाता है दोस्तों। तो वीवो का सबसे कम रेंज 2023 का यही फ़ोन चल रहा है अभी, वीवो T1 5G देख सकते हैं। डिस्प्ले वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, और इसका भी 8GB रैम और 128GB इंटरनल है दोस्तों। 8GB रैम, 128GB इंटरनल, 5000mAh बैटरी, 50MP रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 16MP। तो दोस्तों बहुत अच्छा फ़ोन है वीवो का T1 5G, देख सकते हैं आपको पूरा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं अच्छी तरीका से। फ़ोन देख सकते हैं आप, इसमें देखिए कितना अच्छा फ़ोन, कलर सब कुछ बेस्ट बनाया गया है वीवो का। और इससे आगे बात दिखाते हैं दोस्तों आपको आगे फ़ोन 35G, बहुत ही फ़ोन 6000mAh बैटरी के साथ दोस्तों, 12GB रैम अपडेट है इसका और 15,999 रुपये मात्र कीमत है दोस्तों। आप 16,000 रुपये में दोस्तों मस्त 5G फ़ोन खरीद सकते हैं 6000mAh बैटरी के साथ। सैमसंग का M33 5G देख सकते हैं दोस्तों, कितना मस्त लुक में दिया गया है, 4 कैमरा पीछे है और 5G फ़ोन देख सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ोन दिया गया है दोस्तों। तो देखिए, 5G फ़ोन का बहुत ही बेस्ट फ़ोन है इसमें दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। और दोस्तों एंड्रॉयड 12 इसमें अपडेटेड है, 5G है। और इसका कैमरा आप लोगों को दोस्तों हम बता देते हैं, कैमरा इसका कितना है। इसका कैमरा दोस्तों 50MP दिया गया हुआ है, बहुत ही बेस्ट हुआ 50MP कैमरा दोस्तों। और क्वाड कैमरा 8MP है दोस्तों। रैम इसका साइज 6GB+6GB होता है दोस्तों, 12GB 128GB है। तो बहुत अच्छा दोस्तों फ़ोन है ये, आप M35G ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों हम वीवो का अब इस फ़ोन आप लोगों को देखिए Y75, ये दोस्तों 21,990 Y75 5G गैलेक्सी, 8GB रैम, 128GB है दोस्तों। तो लमसम इसका प्राइस 21,990 है, बहुत ही मस्त फ़ोन है दोस्तों, देख सकते हैं वीवो का 5G फ़ोन। और आप लोगों को बैक भी दिखा दे, देखिए एकदम लोगो लगा हुआ है T1 5G की तरह, Y75 और वीवो T1 5G सेम ही है दोस्तों। तो देखिए, इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है दोस्तों, इसका प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन होने वाला है। और इसका कैमरा दोस्तों आपको बता, 50MP है रियर और इसका 16MP फ्रंट कैमरा है। और इसके अंदर
5000 बैटरी है दोस्तों इसका, 5000 mAh। तो इसके बाद दोस्तों और आगे आप लोगों को फ़ोन हम दिखाते हैं, ये देखिए वीवो का Y100 बहुत बेस्ट फ़ोन दोस्तों। अभी 8GB 128GB रैम में आया है, 8GB RAM 128GB में, देखिए 8GB और 128GB में बहुत सुंदर लुक के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है अभी वीवो का Y100 तभी लॉन्च ही हुआ है दोस्तों कुछ दिन में। इसका दाम दोस्तों 24,999 रुपया है। तो दोस्तों ये कुछ हाई प्राइस का है, आप लोगों को हम लो प्राइस का फ़ोन सब दिखाते हैं दोस्तों, बेस्ट लो प्राइस का फ़ोन सब जो सबसे अभी चल रहा है लेटेस्ट में। तो देखिए दोस्तों आपको हम इसका बेस्ट प्राइस का फ़ोन आप लोगों को हम दिखाते हैं मोबाइल का। तो देखिए ओप्पो का A74 बहुत ही बढ़िया फ़ोन है दोस्तों, ओप्पो A74 5G 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आप 15,499 रुपया में से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में है दोस्तों, 15,000 में ओप्पो का बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 6GB RAM और 128GB इंटरनल में एंड्रॉयड 11 अपडेट है दोस्तों इस पर। और इसका दोस्तों कैमरा जो है आप लोगों को 48 MP क्वाड कैमरा मिलता है, और इसका फ्रंट 8 MP मिलता है, 8 MP इसका फ्रंट है दोस्तों। और इसका बैटरी mAh दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसका बैटरी mAh है 5000 mAh बैटरी mAh है दोस्तों इसका, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, देख सकते हैं 5000 mAh बैटरी फ़ोन है। फ़ोन देखिए कितना बेस्ट फ़ोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और ये फ़ोन आप 15,000 के रेंज तक के ले सकते हैं, ओप्पो का A74 देख सकते हैं, बैक में ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 48 MP कैमरा बैक में देख सकते हैं लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर फ़ोन है, लुक भी बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आप 2023 में नया फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं तो ये फ़ोन खरीद सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेस्ट फ़ोन होने वाला है 2023 का ये फ़ोन। और दोस्तों देखिए वीवो का ही लॉन्च किया गया है iQOO Z6 5G, बहुत अच्छा मोबाइल है दोस्तों। अभी iQOO को बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन iQOO बहुत अच्छा मोबाइल दोस्तों है। इसमें देख सकते हैं FHD डिस्प्ले दिया गया है, स्नैपड्रैगन 650 6nm प्रोसेसर है दोस्तों, 5000 mAh बैटरी है, 128GB इंटरनल है दोस्तों, 15,499 रुपया है मात्र। और आपको क्या चाहिए दोस्तों, 2023 में सबसे 5G मोबाइल समझ लीजिए, फंटस OS 12 इसमें एंड्रॉयड अपडेटेड है दोस्तों, 5000 mAh इसका बैटरी है दोस्तों। और आपको हम बता दें इसका कैमरा, तो कैमरा बता ही दिए हैं दोस्तों इसका, अब आपको इसका 50 MP फ्रंट बैक कैमरा है दोस्तों इसका, और 16 MP फ्रंट कैमरा है। तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों ये iQOO का, आप iQOO का मोबाइल ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट मोबाइल iQOO का फ़ोन है दोस्तों। आपको हम दिखाते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा लुक में iQOO का मोबाइल दिया गया है, पूरा फुल करके आपको दिखा देते हैं बैक, देखिए 5G लोगो भी लिया गया है, iQOO Z6 5G बहुत अच्छा फ़ोन है। इसका एक और मॉडल है दोस्तों आपको हम दिखाते हैं, iQOO Z6 Pro 5G, ये देखिए iQOO 00 है Z6 Pro 5G वीवो, इसका 6GB RAM 128GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 778G है दोस्तों 5G, बहुत ही स्नैपड्रैगन इसका अपडेट यूज किया गया है। और दोस्तों इसका 86W फ्लैश चार्ज है, 66W फ्लैश चार्जर है, 1300 पीक है, ब्राइटनेस HDR प्लस है दोस्तों। इसका कीमत दोस्तों 22,923 रुपये का है, तो 20,000 से 25,000 के बीच बहुत अच्छा फ़ोन है दोस्तों। इसका 8/256 में भी आता है और 6/128 में भी आता है iQOO का दोस्तों, एंड्रॉयड 11 अपडेट है इसमें, 12 अपडेट हो जाएगा, स्नैपड्रैगन दोस्तों, और 64 MP दोस्तों इसका ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, और फ्रंट 8 MP है। और देखिए 5G प्रोसेसर में बहुत अच्छा फ़ोन है iQOO का। तो आगे दोस्तों और आप लोगों को दिखाने चाहते हैं वीवो का, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा फ़ोन वीवो Y56 5G, वो Y56 5G देख सकते हैं दोस्तों, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज में, बहुत अच्छा फ़ोन, कलर भी बहुत सोनी कलर दिया गया है, बहुत अच्छा कलर दिया गया है, देखते हैं वीवो Y56 5G बहुत मस्त फ़ोन दिया गया है दोस्तों। फ़ोन अगर आपको 20,000 तक का बजट है तो बहुत अच्छा फ़ोन ये ले सकते हैं। हम आपको दोस्तों बहुत अच्छा फ़ोन ही गाइस सुजेस्ट करेंगे, जो हमें अच्छा लग रहा है और अच्छा प्रोसेसर है आपको बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे इसमें आप खरीद सकते हैं। 5G मॉल टॉप 10 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल देख सकते हैं, डबल 50 MP प्लस 2 MP रियर कैमरा है इसका, 16 MP सेल्फी कैमरा है दोस्तों, और 5000 mAh बैटरी है इसका। तो बहुत अच्छा फ़ोन है दोस्तों ये, तो आप ले सकते हैं इस मोबाइल को, देख सकते हैं कितने अच्छे फ़ोन है इसे। तो और इसके बाद आप लोगों को दोस्तों हम रेडमी का दिखाने जा रहे हैं, Redmi 12 5G 20,000 के अंदर में दोस्तों, बहुत अच्छा फ़ोन रेडमी का फ़ोन अगर आपको लेना है दोस्तों, अगर रेडमी का फ़ोन पसंद है तो बहुत अच्छा रेडमी का फ़ोन है। तो रेडमी का दिखा सकते हैं, 4GB 128GB RAM है, 120Hz सुपर एमोलेड एंड स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन इसका प्रोसेसर है, 48 MP ट्रिपल कैमरा है दोस्तों, इसका प्राइस मात्र 17,999 होने वाला है।
तो बहुत ही अच्छा प्राइस में दोस्तों Redmi Note 12 5G लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों। इसका देख सकते हैं कैमरा 48 मेगापिक्सल बैक और फ्रंट भी बहुत ही डिस्प्ले पंच हॉल दोस्तों कैमरा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिस्प्ले, एचडी डिस्प्ले वगैरह दिया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर Redmi का आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो Redmi Note 12 बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हैं 17 से 18 हज़ार के रेंज का फ़ोन है दोस्तों ये। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है दोस्तों, 5000 करीब एमएएच बैटरी है और इसका दोस्तों अल्मोलेड डिस्प्ले है। और इसका प्रोसेसर भी दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं इसका प्रोसेसर कौन सा है, तो प्रोसेसर इसका दोस्तों ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 है, तो पहले भी बता दिए हैं आपको प्रोसेसर इसका दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों दूसरा फ़ोन आपको दिखा देते हैं दोस्तों, सैमसंग का M13 5G, देखिए ये भी बहुत कम दाम का है दोस्तों, IQ Gen 6 Lite 5G वीवो का ही दोस्तों बनाया गया है ये, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ दोस्तों स्नैपड्रैगन 4th Gen का फ़ोन है, 120Hz रेट है इसका, 5000mAh बैटरी है दोस्तों, 5000 बैटरी है इसका, ट्रेवल एडेप्टर 2.6 स्पार्कली है दोस्तों, 13000 मात्र 999 रुपये में होने वाला है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों ये भी फ़ोन बहुत गजब का लुक में है, बताइए 5G फ़ोन आपको 13000 में मिल रहा है, 4/64 वीवो का IQ दोस्तों वीवो का ही फ़ोन है। और इसका देख लीजिए आपको हम दिखाने वाले हैं इसका बैटरी भी, इसका भी 5000mAh बैटरी है दोस्तों। और इसका कैमरा दोस्तों दिखा देते हैं, कैमरा भी इसका बहुत अच्छा कैमरा है दोस्तों इसमें दिया गया, इसमें भी 50 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट बैक कैमरा है और फ्रंट 16 मेगापिक्सल दिया गया है, बहुत अच्छा दोस्तों ये फ़ोन IQ का। अगर आपको 10 से 15 हज़ार तक का टारगेट है तो बहुत अच्छा आप IQ का फ़ोन ले सकते हैं दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए दोस्तों फिर आपको आगे का फ़ोन दिखाते हैं, आपको 10 से 15 हज़ार का दिखा दिए, 10 से 15 हज़ार का दिखा दिए, ऊपर से 20 हज़ार का दिखा दिए, सारा फ़ोन दिखा दिए। और देखिए आपको हम ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं दिखाएंगे, अब आपको हम सस्ता फ़ोन दिखाएंगे। तो देखिए ये फ़ोन आपको दिखाई दिए थे दोस्तों Y001 5G, ये 25,000 का फ़ोन है, बेस्ट फ़ोन है, अगर आपके पास सीमित है इतना का तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैमरा, बहुत ही अच्छा बैटरी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी कैमरा है। IQ का भी फ़ोन आपको हम दिखा दिए दोस्तों, सैमसंग का भी ये फ़ोन दिखा दिए थे दोस्तों, M33 5G फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन है दोस्तों, कम रेंज में 15 से 16 हज़ार के रेंज में बहुत अच्छा, 6GB 128GB इंटरनल है दोस्तों इसका और 5G सपोर्टेड है, 2023 सबसे लेटेस्ट मॉडल है ये सब। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई मोबाइल लेना हो अच्छा वह तो कमेंट करके बताएं, हम आपको बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल सजेशन करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।